वाकई यही तो है शिक्षा और शिक्षकों का सम्मान, यही है प्रतिभा का सम्मान, और यही तो है सकारात्मक सोच का एक गंभीर मान। यकीन जानिएगा, सिर्फ एक घोषणा, जी एक घोषणा से पूरे 67,910 अतिथि शिक्षकों की सारी चिंताओं को दूर करते हुए उनका वेतन सीधे सीधे दोगुना हो गया। और मानदेय भी जो हम तय कर रहे हैं, वर्तमान जो होता है अतिथि शिक्षक वर्ग 1 9,000, इसके स्थान पे 18,000 रुपया दिया जाएगा। जी दोगुना, तभी तो कहते हैं ये है अपनी सरकार, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार। भोपाल में आयोजित अतिथि शिक्षक पंचायत के दौरान जब सीएम शिवराज ने हाथों में माइक थामा तो मौजूद सभी को आशा थी कि भैया शिव बेहतर सोचते हैं तो आज कुछ अच्छा ही ऐलान भी करेंगे। लेकिन जब सीएम ने बोलना शुरू किया ना तो तालियों की गड़गड़ाहट ने मानो दम ही ना लिया। शिवराज सौगात पर सौगात देते रहे और अतिथि शिक्षक मिले सम्मान को लेकर भाव विभोर। मतलब भाई वर्ग एक में 9,000 मानदेय से सीधे 18,000, वर्ग दो में 7,000 के स्थान पर 14,000 और वर्ग तीन में 5,000 के स्थान पर अब मिलेगा 10,000। और मानदेय भी जो हम तय कर रहे हैं, वर्तमान जो होता है अतिथि शिक्षक वर्ग 1 9,000, इसके स्थान पे 18,000 रुपया दिया जाएगा। अतिथि शिक्षक वर्ग 2 7,000, उसकी जगह 14,000 और 3 को 5,000 की बजाय 10,000 रुपया ये मानदेय किया जाएगा। तो अब बीच में कोई भी गैप नहीं होगा, एक बार अनुबंध हो गया तो पूरे साल चलेगा। सिर्फ मानदेय ही दोगुना नहीं किया गया बल्कि अनुबंध की सीमा भी पूरे एक साल तक कर दी गई है। शिक्षक भर्तियों में अतिथि शिक्षकों को 25% के स्थान पर 50% आरक्षण देने की घोषणा भी आम हुई। शिक्षकों की भर्ती में अभी तक अतिथि शिक्षकों को केवल 25% का आरक्षण था, अब 50% बढ़ा के किया जाएगा। अब इन शिक्षकों को प्रतिवर्ष 4 और अधिकतम 20 अंक बोनस मिलेंगे। और हाँ, अब इन शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर भी गंभीरता से सोचा जा रहा है और जल्दी इस दिशा में कोई ठोस योजना भी आम होगी। और अतिथि शिक्षकों को उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार प्रतिवर्ष 4 और अधिकतम 20 अंक बोनस के रूप में ये प्रदान किए जाएंगे। वाह साहब, कई युवाओं के चेहरे पर चमक ना छूटी तो बेहतर भविष्य गढ़ने की आस और बढ़ी है। तभी तो सभी को भाते हैं, शिवराज सभी को अपना बना जाते हैं। आप देखते रहिए न्यूज पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।